Whosoever is watching this video, I want to assure you that everything is under control and you will definitely clear your first prof MBBS with flying colors and achieve whatever you wish for. So relax. Hello everyone, this is Akshat Juneja. Lockdown has been harsh on everyone. सेशनल्स में तो आप एक रात पहले चार यार के संग बैठकर पूरा सिलेबस एक रात में ही खत्म कर देते थे। भाई ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस बता। अरे भाई टीसी साइकिल 5 मिनट में थोड़ी बता दे यार, कल थोड़ा लिखाऊंगा, है ना? बट नाउ थिंग्स आर डिफरेंट। नाउ यू ऑल आर पैक्ड इन एंड यू डोंट नो दैट आफ्टर अ मंथ और आफ्टर 2 मंथ मे बी यू विल हैव योर फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। So, as a third prof student, it's my duty to share with you what all needs to be done. So that, देखो यार, पास तो तुम सब हो रहे हो, ठीक है? तुम चाहे तो लिखवा लो, पास सब हो रहे हो, पास की दिक्कत नहीं है। बट एक जो चीज है जो हम चाहते हैं कि ये 30 दिन जो जाए ना, तो ये काफी शांति से जाए। मेंटल स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ना है, रिलैक्स, एक शेड्यूल बनाते हैं और उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं और 30 दिन रिलैक्स होके पढ़ते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द स्ट्रेटेजी, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट दैट यू नीड टू फॉलो। सो लेट स्टार्ट विद एनाटॉमी। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे फर्स्ट ईयर में आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं पर सबसे ज्यादा भूलते भी इसे हैं। सो एनाटॉमी से रिलेटेड क्या जनरल पॉइंट्स आपको अब से याद रखना है? बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट है डायग्राम बुक और रिकॉर्ड योरसेल्फ। इसका क्या मतलब है? Basically, what you need to do is, suppose today you are reading a topic, facial nerve. So, आपको क्या करना है कि उसको आपने एक बार पढ़ा, चाहे आपके नोट से, चाहे मेरे वीडियो से, या कहीं से भी आपने बुक से एक बार पढ़ लिया, so आपको उसका एक बार डायग्राम प्रैक्टिस करना है, फिर दूसरी बार बिना देखे उस डायग्राम को डायग्राम बुक में बनाना है, ठीक है? So, ये आपका डायग्राम पॉइंट कवर कर जाएगा। अब बची हमारी अनाट की उस टॉपिक की थ्योरी। तो क्या होता है कि द डे वेन यू स्टडी अ पर्टिकुलर टॉपिक, सो वो टॉपिक आपको उस दिन काफी अच्छे से याद रहता है, ठीक है? आपको उस दिन समझ में आ गया होता है उस टॉपिक का मतलब क्या है। तो आप अपने आप को रिकॉर्ड कर लो, एक मोबाइल लो, ऑडियो रिकॉर्ड कर लो कि फेशियल नर्व बेसिकली मिडिल ईयर से कहाँ से आई, कहाँ कॉलिकुलस बना, कहाँ उसका जेन्यू बना, तो वो सब आप एक अपनी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करोगे। सो ये आपको थ्योरी में हेल्प करेगा। कैसे बताता हूँ। सो अभी आपने क्या करा, फेशियल नर्व का डायग्राम बना लिया और थ्योरी रिकॉर्ड कर ली। अब रात को जब आप सो रहे हो, सो बेसिकली ये साइंटिफिक फैक्ट है कि दिन भर में आपने जो भी पढ़ा हो उसको आप रात में सोने से आधे घंटे पहले आँख बंद करो और वो सारा डायग्राम रिकॉल करने की कोशिश करो और वो थ्योरी रिकॉर्ड करने की कोशिश करो जो आपने पढ़ी। अगर आप कहीं अटके तो वापस डायग्राम खोलो, डायग्राम को देखो, ऑडियो सुनो और उसको याद करो और सो जाओ। फिर जब वीक एंड होगा, आपने ऐसे 6 दिन करा, अब वीक एंड पे आप रिलैक्स करोगे, संडे को पूरा चिल है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवाइज करना है पुराना। सो उसमें आप क्या करोगे, आप ये डायग्राम बुक उठाओगे और डायग्राम बुक से वापस से वो डायग्राम एक दो बार और बना लोगे। सो इससे आपकी डायग्राम प्रैक्टिस हो गई, आपको याद हो गया। अब जो थ्योरी वाला पार्ट है, तो यदि आपके पास अभी तक नोट्स नहीं बने हैं, सो अब आप क्या करो कि जो आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसको सुनते जाओ और अब पेन डाउन करो। तो अब इसका क्या फायदा होगा, बेसिकली अब आपके ब्रेन को पता है कि क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और क्या मेरे को बहुत अच्छे से याद हो गई है। तो जो आप एक पूरी बुक ही लिख लेते हो ना नोट्स में, वो पॉइंट आपका बचेगा, क्योंकि अब टाइम कम है, 1 महीने में हमें सारा कवर करना है। सो मेक स्मार्ट नोट्स। सो उसके लिए आप ऑडियो से फ्लो चार्ट बना के खत्म करो। सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हमने कवर करे। तीसरा पॉइंट जो आपको करना है, कैटेगराइज एंड प्रायोरिटाइज द टॉपिक। इसका मतलब क्या होता है, कई यूनिवर्सिटीज में द पोर्शन ऑफ न्यूरो एनाटॉमी इज इक्वल टू पोर्शन ऑफ हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। सो आप क्या करते हो, आप न्यूरो एनाटॉमी इतना अटके रहते हो कि कई दिन तक आपको ब्रेन के सेक्शंस पढ़ने में लग जाता है और कई दिन तक आप वो कट सेक्शंस में उलझते रहते हो और आपका एम्ब्रियो हिस्टो पूरा छूट जाता है। पर आपको ध्यान रखना है कि अगर टंग पे आंसर आएगा तो टंग में आपको एम्ब्रियोलॉजी भी लिखना है। सो जो छोटे छोटे बिट्स हैं उनको आप छोड़ नहीं सकते, यू हैव टू लर्न एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। सो आप उन पे भी फोकस रखें। और जो न्यूरो एनाट की बात है, तो न्यूरो एनाट के लिए आप 4th स्ट्रेटेजी अपनाएं। बेसिकली द पॉइंट इज मेक फ्लैश कार्ड्स।
फ्लैश कार्ड्स का मतलब क्या है? सपोज आपने मेडुला ओब्लोंगेटा आज पढ़ा, सो मेडुला ओब्लोंगेटा में आपको क्या करना है, एक फ्लैश कार्ड बनाइए, उसमें मेडुला के तीनों सेक्शन सपोज आपने बना लिए, तीनों सेक्शन में क्या लेबलिंग्स है वो बना लीजिए और रेलेवेंट थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट्स लिख लीजिए। बिकॉज क्या होता है कि कई बार एग्जामिनर सिर्फ आपके डायग्राम देख के ही इम्प्रेस हो जाता है, आप उन डायग्राम को ही एक्सपांड करके लिखेंगे सो आपका सफिशियंट हो जाता है कई बार, सो डायग्राम्स बहुत स्ट्रांग रखने हैं। सो पहले आप कोशिश कीजिए कि वो जो आपका फ्लैश कार्ड बना है उसमें आप डायग्राम सारा समअप कर लें और उस ब्रेन के सेक्शन को समझें, बजाय इसके कि आप ऐसे रटने बैठ गए सुपीरियर कॉलिकुलस कौन बनाता है, इन्फीरियर कॉलिकुलस क्यों बनता है, सुपीरियर सेरेब्रलर पेडंकल किसको कनेक्ट करता है, एनालाइज करिए कि किस लेवल पे क्या सेक्शन था। तो ये कब होगा, जब आप एक कंपैरेटिवली पूरा इंटीग्रेटेड वे में पढ़ेंगे। आप न्यूरो एनाड के फ्लैश कार्ड बनाएंगे सो आप अभी मेडुला के सेक्शन याद नहीं होंगे, पर जब इसको पॉन्स के साथ रिलेट करके करेंगे, मिड ब्रेन के साथ करेंगे, सो आपको याद हो जाएंगे। सो फ्लैश कार्ड आप बना सकते हैं। सो एनाटॉमी में आपको ये जनरल पॉइंट्स याद रखना है, डिटेल्ड में कैसे पढ़ते हैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगा मैं, बट अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो आप अगले सब्जेक्ट का शुरुआत करते हैं। अगला सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में क्या जनरल पॉइंट्स याद रखने हैं आप वो देखते हैं। तो फिजियोलॉजी इज अगेन अ सब्जेक्ट ऑफ फ्लो चार्ट्स। अब आपको उसमें जैसे आपने डायग्राम्स कॉपी बनाई, ऐसे आप इसमें दो कॉपी बना सकते हैं, फर्स्ट फ्लो चार्ट कॉपी एंड सेकेंड नॉर्मल वैल्यूज की कॉपी। बेसिकली उसमें आपको क्या करना है, आप चाहे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन पढ़े चाहे असेंडिंग ट्रैक्स पढ़े, इंडल्ज इट इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स, ठीक है। अब इसमें जो हमें तीसरी कॉन्ट्रोवर्सी आती है वो है बुक कौन सी यूज करें। सो बेसिकली आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, अगर आपने अभी तक गाइटन पढ़ी है तो फिर गाइटन पे बिलीव करिए, ठीक है, गाइटन पे ट्रस्ट करिए, उसे रिवाइज करिए, आपका काम हो जाएगा। अब जिन्होंने अभी तक गाइटन नहीं पढ़ी पर उनमें ऐसे सोल में क्रेविंग है कि यार गाइटन नहीं पढ़ी, सो आप क्या करिए अभी के लिए कि आप जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जो फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं, फ्लो चार्ट्स आप गाइटन के रेफर करिए, फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स गाइटन के अच्छे हैं और द एग्जामिनर नोज दैट व्हाट यू हैव रिटन इज फ्रॉम विच बुक, बिकॉज उनको सैम्बुलिंगम की लाइनें रट गई है ना। सो आप थोड़ा फ्लो चार्ट थोड़े डायग्राम उधर से देख सकते हैं, बाकी आप जो टेक्स्ट रीड कर रहे हैं अभी आप इजी बुक्स की रीड कर सकते हैं ताकि आपको एक फ्लो चार्ट बनाने में और चीज़ों को समझने में आसानी हो। जैसे जैसे हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी हो जाएगी, अगर हम एक महीने में प्रिपेयर हो गए तो हम इसको और परफेक्शन ला सकते हैं। फिर ये जो नॉर्मल वैल्यूज की है इसमें आपको सारी वैल्यूज लिख कर रखना है, जैसे कि नॉर्मल WBC RBC काउंट, ये क्वेश्चन जो है ये एक एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ये गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते, सो इसके लिए आप एक ही कॉपी बना सकते हैं। सो फिजियोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है अभी, ओवरऑल इतना सफिशिएंट है, फिर पढ़ना कैसे उसको हम देखेंगे। सो आप अगले सब्जेक्ट की जनरल बातें करते हैं, बायोकेमिस्ट्री की। सो बायोकेमिस्ट्री तो सच में एक अलग सा वीडियो बनाना बनता है इस पर, अभी के लिए क्या ध्यान रखिए, बायोकेम में भी आप बिल्कुल ऐसे ही एक साइकिल्स की कॉपी और एक आपकी नॉर्मल वैल्यूज की कॉपी, उसमें विटामिंस का रिकमेंडेड डेली अलाउंस और ये सब चीज़ें आप लिखो, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, साइकिल्स जो आपकी हैं उनको आपको बिल्कुल वैसे ही रिलीजियसली प्रैक्टिस करना है जैसे आप डायग्राम्स कर रहे थे अनाट में। सेम स्ट्रेटेजी आपको तीनों सब्जेक्ट में रखना है, दिन भर के दो फ्लो चार्ट भी बनाए, रात को रिवाइज करके सो जाओ, संडे को उसको फिर से रिवाइज कर लो, दिस विल बी वेरी सफिशिएंट, फिर क्विजेस आती रहेंगी। सो ये चीज़ हो जाएगी। सो बायोकेम में आपको ये ध्यान रखना है, और जो बुक्स की क्वेरी है तो बुक्स में देखो आप कभी घबराओ मत, बायोकेम सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और मैं आपको बता सकता हूँ बिकॉज दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे सबसे ज़्यादा नंबर बायोकेम में ही आए थे। सो बायोकेम इज द मोस्ट स्कोरिंग एंड मोस्ट ईजी टू रीड, अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे। मैंने आपको मेरी जो मेटाबॉलिज्म की वीडियोज़ हैं उनमें भी बताया है, बायोकेम इज ऑल अबाउट एक कंपाउंड बनाओ तोड़ो बनाओ, ठीक है, या तो उससे कुछ बनाओ या तो उसको बनाओ या तो फिर तोड़ो। सो आप थोड़ा सा एक माइंडसेट लेके पढ़ेंगे सो आपको साइकिल्स याद हो जाएंगी, डिटेल्ड में आपको बाद में बताऊंगा। सो आप शुरू करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप और बता देता हूँ उसके बाद शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉपी आप बना सकते हैं, याद रख सकते हैं, वो है क्लिनिकल इंपॉर्टेंट कोरिलेशंस। देखिए अगर क्वेश्चन चाहे एक मार्क्स का हो या द क्वेश्चन इज ऑफ लॉन्ग आंसर, बेसिकली अगर आप एक क्लिनिकल पॉइंट उसमें लिख देते हैं, कुछ नहीं चार लाइन भी लिखेंगे आप, यदि क्लिनिकल हेडिंग डाल के आपने लिखा, सो ये ऐसा हो जाएगा जैसे सोने पे सुहागा।
एग्जामिनर बिकॉज आप डॉक्टर बन रहे हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनर टू नो दैट यू शुड नो व्हाई यू आर रीडिंग दिस टॉपिक. ओके, सो दिस विल बी हेल्पफुल इन योर क्लिनिक्स एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द कोर ऑफ मेडिसिन. सो ये चीज आपको ध्यान रखना है. अब ये सब हो चुका हो तो अब शुरू करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और स्ट्रेटेजी को मैंने नाम दिया है रिलैक्स एंड रॉक स्ट्रेटेजी इन 30 डेज. ठीक है, सो अब इस स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ. तो इस स्ट्रेटेजी के लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट बनाई है जो कि आपको ग्रुप्स में मिल जाएगी. अगर आप ग्रुप्स में एडेड नहीं है सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से एड हो सकते हैं. सो बेसिकली उस लिस्ट में क्या है, दैट लिस्ट रफली कंटेन्स 150 to 200 टॉपिक्स. अब हम क्या चाहते हैं कि इन 30 डेज में हम रोज के 5 टॉपिक्स कर सकें. 5 टॉपिक सर, देखो सर शेड्यूल वैसे भी कोई काम आज तक बना है, फॉलो नहीं हो पाया और 5 टॉपिक दिन के तो हो नहीं पाएंगे. अरे नहीं, देखो उसमें जो टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं, जैसे विंगिंग ऑफ स्केपुला, विंड कैसल इफेक्ट. सो ये टॉपिक 10 मिनट की रीडिंग में भी हो सकते हैं, है ना. सो घबराना नहीं है, बेसिकली दिन का 5 टॉपिक्स टारगेट करना है. वेरी कर सकता है, किसी दिन आपका पढ़ने का मूड होगा, किसी दिन नहीं होगा. What is important is कि कंसिस्टेंसी हम बनाए रखें. तो कंसिस्टेंसी और मूड से कैसे पढ़ाई करें उस पर अलग वीडियो आएगा, सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए. सो बेसिकली अभी हमें क्या देखना है कि 5 टॉपिक्स एक दिन के कैसे हमें करना है. बस 3 घंटा पढ़ना है. कैसे, आपको वो 5 टॉपिक के लिए हाफ हाफ आवर्स का सेशन लगाना है. आप एक ऐप आती है फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे. उसमें क्या होता है, आपका फोन पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा उस आधे घंटे के लिए. सो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे. सो अब आप उसमें क्या करें कि आप हाफ आवर का एक सेशन लें, उस टॉपिक को जैसा मैंने कहा जिस सब्जेक्ट के अनुसार उसे वो खत्म करें, उसके फ्लो चार्ट बनाएं. किसी टॉपिक में 1 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है, घबराइए नहीं, मॉडिफाई करिए अपने हिसाब से. और जिन लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हैं वो क्या करें, वो एक दिन पहले पता कर लें कि उनके ऑनलाइन क्लास में कल क्या पढ़ाया जाएगा, तो उसको वो पहले से पढ़ के रखें. और जब मैम उनके प्रोफेसर पढ़ाएं तो उसको एज अ वाइवा लें. तो वाइवा में क्या होता है कि अगर उन्होंने एक हेडिंग दे दी कि आज हम जीनोबायोटिक्स पढ़ रहे हैं, सो रिकॉल करिए आपने क्या पढ़ा था. सो वो आपका एक रिविजन का एफिशिएंट तरीका होगा. और जो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे क्या टॉपिक करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे चैनल पे रोज जो वीडियोज अपलोड होंगी वो 5 टॉपिक दिन के कवर कर लेंगी. और वीडियो का शेड्यूल भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप में डाल दूंगा, सो आप वो भी देख लेना. और कुछ नहीं तो बस वो वीडियो के साथ 5 टॉपिक दिन के करना है, 5 सेशन दे के करना है और 30 दिन तक करना है. तो इस तरीके से हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए इंपॉर्टेंट पूरे 1 महीने में. अब आपके पास 5-10 दिन बचे हों एग्जाम्स के लिए या 2 महीने बचे हों, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको और बेटर कर सकते हैं. अगर आपका न्यूरो एनाट का कुछ पोर्शन आपको लग रहा है नहीं पढ़ा तो वो पढ़ सकते हैं. सो इतना घबराने की बात नहीं है, 3 घंटे दिन का देने से भी आपका काम बन जाएगा. बिकॉज देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिए कि द नंबर ऑफ आवर्स डज नॉट डिटरमाइन योर प्रोडक्टिविटी. आप दिन भर पढ़ें पर जो आउटपुट है ना वो 4-5 घंटे बाद आना कम होना हो जाता है. सो आदत बनाइए और बजाय टेंशन लेने के, नो गिल्ट कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. अगर आपने फर्स्ट ईयर नहीं भी अच्छे से पढ़ा है तो घबराने की बात नहीं है, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे. पेशेंस रखिए, आपको टाइम मिलेगा चीजें कवर करने का. अभी जब दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, सिर्फ पढ़ाई को लेके इतना चिंतित नहीं होइए, रिलैक्स करें, हमारे साथ बने रहें और सब इससे एक साथ बाहर निकलेंगे. तो आप क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं. और इस स्ट्रेटेजी को अगर आपको फॉलो करने के लिए कोई पार्टनर चाहिए तो अपने दोस्त को बोलिए, उन्हें कहिए कि हम साथ में फॉलो करेंगे. आप और क्या कर सकते हैं, हमारा इंस्टा जो हैंडल है उस पर आप अपने फॉरेस्ट के स्क्रीनशॉट्स स्टोरी में डाल के यू कैन टैग अस और फिर हम उसको हमारे पेज पे बताएंगे. सो दिस विल हेल्प ऑल ऑफ यू टू स्टे मोटिवेटेड एंड रोज का कंसिस्टेंसी से आप कुछ एक्शन कर पाएंगे. तो एट द एंड मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब देश में दुनिया में इतना कुछ हो रहा है तो अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाएं और हमेशा मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी बनाकर किसी भी टाइप की स्टडीज या किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लें, एक कंसिस्टेंट मैनर में आगे बढ़ें. और आपको जैसे भी मैं मोटिवेट कर सकता हूँ मैं मोटिवेट करते रहूँगा. सो यदि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसी तरह से अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी लॉकडाउन में लर्निंग बनाए रखने का हौसला दें। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।